नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजीत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज़ 444 न्यूज़ नेटवर्क। तो दोस्तों, बिहार में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और इसको लेकर कई राज्यों से ईवीएम बिहार के सभी ज़िलों में पहुँच चुकी है और ईवीएम का जो है कि प्रथम चरण का जाँच शुरू है। इसके साथ ही पंचायत के सभी वार्डों में विभिन्न प्रकार के पदों के लिए चुनाव की सुगबुगाहट भी शुरू हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा अगर किसी पद की है तो वह है वार्ड सदस्य लोगों के चुनाव के पद की। इसमें बहुत से लोग जो हैं कि प्रत्याशी बनने के लिए तैयार हैं और कुछ लोग तो मन ही मन अपनी बातों को संजोए रखे हैं और वार्डों में अभी बता भी नहीं पा रहे हैं कि वे वार्ड में लड़ेंगे। लेकिन आप देखिएगा, जब चुनाव का नॉमिनेशन शुरू होगा तो ऐसे ऐसे जो है कि लोग उसमें खड़े होंगे कि जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं रहा होगा कि ये लोग चुनाव लड़ेंगे। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण सिर्फ यही है, पावर, शक्ति। पावर तो आप लोग समझते ही होंगे, पावर वही चीज़ होता है जिसके लिए बाप और बेटे में लड़ाई हुई है। सत्ता, सत्ता के लिए इतिहास गवाह है कि किस तरह से भाई भाई से लड़ा है, दोस्त दोस्त से लड़ा है। तो वहीं पावर का गेम अब होने वाला है, चूँकि वार्ड सदस्य लोगों को सरकार ने बृहद पैमाने पर अधिकार दिया है और उस पावर को देखकर लोग में जो है कि हलचल अंदर ही अंदर मची हुई है कि हमने जिसे वोट दिया यह समझकर कि वह कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन आज उसकी शक्ति इतनी हो गई कि मुखिया जी उसको खोजते हैं और मुखिया जी की मजबूरी है कि जब तक वह दस्तखत नहीं करेगा तब तक पंचायत से राशि की निकासी नहीं होगी। इस बातों को भली भांति वार्ड के सभी लोग जान चुके हैं और यह बात जग जाहिर हो चुका है कि वार्ड सदस्य जो हैं उन्हें पावर का आवंटन सरकार ने कर दिया है और उनके कलम से अब रुपया निकलता है। और यही बात है जो कि कोहराम मचाएगा आने वाले चुनाव में, और ऐसे ऐसे लोग चुनाव लड़ेंगे कि कुछ कहना नहीं। तो ये तो होना ही था, क्योंकि सरकार ने जो अधिकार सौंपा वार्ड सदस्यों को, जिस तरह से वार्डों की सारी जवाबदेही वार्ड सदस्यों को सौंप दी गई और वार्ड सदस्यों के द्वारा ही नल जल, नली गली और पुल पुलिया सहित ग्रामीण पक्कीकरण और चौड़ीकरण सड़क निर्माण का कार्य सरकार के द्वारा कराया गया, जिसे देख कर वार्ड के अन्य भी बहुत सारे लोग जो राजनीति में रुचि नहीं रखते थे आज मन ही मन यह सपना संजोए हैं कि शायद वे भी एक बार वार्ड सदस्य का चुनाव जीत जाते तो उन्हें भी एक पहचान मिल जाती और उन्हें भी मुखिया जी पूछते और वो भी अपने वार्ड में विकास का कार्य करवा पाते। तो इस वजह से यह स्पष्ट हो जाता है कि वार्ड सदस्य का जो पद है वह अब साधारण नहीं रह गया और उसके लिए लड़ाई भी अब पुराने तरीके से लड़कर नहीं जीता जा सकता है। शक्ति आती है, पावर आता है तो जवाबदेही आती है। तो यहाँ ज़रूरत है कि वार्ड सदस्य लोग अब नए तरीके से अपने लड़ाई को लड़ने का तैयारी कर ले, अन्यथा वे पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि पुरानी तरीके से लड़ाई लड़िएगा आप, सीधे साधे चुनाव में उतरिएगा तो आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। इसके लिए, क्योंकि अब आपका जो मुकाबला होने वाला है वह कड़ा मुकाबला होने वाला है, क्योंकि इस पद में पावर का ज्यों ही समायोजन सरकार ने किया यह पद का एक गरिमा हो गया, एक महत्व हो गया। तो इसको बचाने के लिए आपको जी तोड़ मेहनत के साथ साथ ज़रूरत के अनुसार जहाँ जहाँ भी आपको खर्च की आवश्यकता होगी वह करना पड़ेगा। आप कान खोल कर सुन लीजिए, अन्यथा एक बार जो आपको पद मिला है वह आपसे छूट जाएगा तो जीवन भर तड़पते रह जाइएगा, आपको मौका नहीं मिलेगा। इसको पुनः पाने के लिए आपको हर तरह का प्रयास करना होगा वार्ड सदस्य लोगों को। और जो नए लोग लड़ना चाहते हैं वे भी जान लें कि जो पुराने लोग हैं जो कि चुनाव जीते हुए हैं वे लोग सरकार से जो भी उन्हें आर्थिक सहायता मिले उनके पास मिला हुआ है, वे कमा कर रखे हुए हैं, उन्हें लड़ने के लिए और खर्च करने के लिए घर से राशि की व्यवस्था नहीं करनी है। लेकिन जो नए लोग चुनाव लड़ने वाले हैं उन्हें घर से राशि की व्यवस्था करनी होगी और लड़ाई लड़नी होगी, तभी जाके आपको मौका मिलेगा। खैर, यह तो प्रजातंत्र है, इसमें सभी को अधिकार है और जनमत में जनमत का फैसला जो होता है, जो सर्वमान होता है, बहुमत का फैसला और अल्पमत को बहुमत का फैसला मानना पड़ता है।
तो जो जीतेंगे वे बहुमत का फैसला होगा और जो हारेंगे वो भी जनमत का फैसला होगा। इसलिए आने वाले दिनों में देखने के लिए यह दिलचस्प रहेगी कि बिहार के वार्डों में चुनाव किस तरह से लड़ा जाता है, क्योंकि अब नई ऊर्जा नई शक्ति वार्ड सदस्यों लोगों को सरकार के द्वारा दी गई है। इसके साथ ही जो अनुरक्षक लोग हैं वे लोग भी जान लें कि अनुरक्षकों का जो मानदेय सरकार देगी उसमें भी वार्ड सदस्य लोग इंटरफेयर करेंगे, क्योंकि जब अनुरक्षक लोग जो हैं वे ज़्यादातर जो वर्तमान में वार्ड सदस्य के पद पर जीते हुए हैं उन्हीं लोगों की नियुक्ति हुई है, तो अनुरक्षक लोग भी सतर्क रहें और अपने तरफ से अपने सत्ता को और अपने समीकरण को बचाने का प्रयास करें, ताकि जो है कि भविष्य में उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। और साथ ही वार्ड सचिव भाई बंधु भी ध्यान दें, आप लोगों को भी सरकार जो है कि विचार कर रही है, सरकार मंथन कर रही है इस पर कि वार्ड सचिव लोगों का सेवा स्थायी किया जाए या नहीं किया जाए, तो आप लोग भी अपना जो कि प्रयास जारी रखिए, क्योंकि सरकार जब मंथन करती है और सरकार को यह लगता है कि नहीं ये लोग तो काफ़ी एक्टिव हैं इन लोगों को रखना चाहिए तो सरकार रख लेती है, अन्यथा सरकार जो है कि विपरीत फैसला दे देती है। तो यहाँ जो है कि वार्ड सचिव लोगों को भी सतर्क रहना है और जो वार्ड सदस्य के जो प्रत्याशी हैं और जो जीते हुए हैं वे लोग भी अपना बाहुबल आजमाने के लिए तैयार हैं। तो आने वाले 30 अगस्त को अधिसूचना जारी होने की संभावना है और जो है कि चुनाव होना तय है, तो जितने भी वार्ड सदस्य लोग हैं वे अब अपना जो है कि प्रचार प्रसार में लग जाएं, क्योंकि जो है कि आपके विरोधी हर जगह तैयार हो चुके हैं, आपको अब कहीं से भी बैठे बिठाए और बिना परिश्रम के कुछ मिलने नहीं जा रहा है, क्योंकि आप लोगों ने जो पावर दिखाया है उसका जो है कि परिणाम लोगों ने देखा है और सभी लोग जो है कि अब लड़ाई लड़ेंगे। साथ ही यह भी कि आने वाले दिनों में मतदाता सूची का विखंडन जो हुआ था उसे पुनः विखंडन करवाया जाना था, लेकिन अब सरकार ने फैसला लिया है कि चूँकि समय बहुत कम है इसलिए न तो मतदाता सूची में नए लोगों का नाम अंकित किया जाएगा ना ही विखंडन कार्य पुनः होगा। जो एक बार हो चुका है लगता है कि उसी के आधार पर चुनाव होने वाला है, तो मतदाता सूची की कॉपी भी आप लोग निकलवा लें ताकि आप लोगों को नॉलेज हो जाए कि कितने नए मतदाता आपके वार्ड में जो है कि जुटे हैं मतदान करने के लिए और कितने लोगों का नाम कटा है, और उसमें जो है कि छटनी करके जो आपका मूल वोटर है जो आपको दे सकता है उसको एक पार्ट बनाइए, जो प्रयास करने पर आने की जिनकी संभावना है उसको एक पार्ट बनाइए, और इस तरह से मतदाता सूची को चिन्हित करके अपना जो है कि प्रयास जारी कीजिए, अन्यथा जो है कि आने वाले दिनों में आप कुछ नहीं कर पाइएगा, क्योंकि चुनाव का बिगुल बज चुका है, रणभेरी बज चुकी है, अब सोचने से कुछ नहीं, अब चुनाव मैदान में फानने की बारी है, अब जो है कि प्रयास शुरू कर दे। तो यही सब था आज वार्ड सदस्य वार्ड सचिव और जो है कि अनुरक्षक लोगों के लिए कुछ न्यूज था। जैसे ही पंचायत चुनाव से संबंधित कोई भी अपडेट हमको पता चलेगा हम पुनः आपसे मिलेंगे और आपको सारी जानकारी देंगे। यदि आप पंचायत चुनाव से संबंधित हर प्रकार की जानकारी जो ऑफिशियल है, मैं झूठी बातें शेयर नहीं करता, वो लेना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय पंचायत प्रतिनिधि।